आज हम देखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देखो सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन में है सबसे ज्यादा आसान दो कन्वर्जन होते हैं, वो होते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो देखो अगर किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो अगर अब इधर हम देखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे पता चलेगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस टू हो और नंबर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, जीरो और वन, तो ये बाइनरी में दे रखा है। मुझे इसमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है। तो देखो इसकी ट्रिक है, बहुत ही आसान है कि जो भी नंबर अगर मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर दे रखा है बाइनरी में और मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम को हमेशा इधर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और तीन तीन के पेयर में लेफ्ट हैंड साइड तक लिख लेंगे। तो देखो यहां से स्टार्ट करा तीन का एक पेयर बना लिया, यहां से स्टार्ट करा तीन नंबर का एक पेयर बना लिया और यहां से स्टार्ट करा तो यहां पर तीसरा नंबर नहीं है। अगर तीसरा नंबर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से जीरो लगा लेंगे, वन नहीं लगाएंगे, ऑलवेज जीरो लगाएंगे। तो ये हो गया पेयर नंबर वन, ये हो गया पेयर नंबर टू और ये हो गया पेयर नंबर थ्री। अब देखो जैसे हमें 100 इसको लिखना है तो अब हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, तो हमेशा कैसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे इंटू 1, नेक्स्ट हमें 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे इंटू 0, नेक्स्ट हमें 2 की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, आंसर कितना हो गया 0, सबको ऐड करेंगे तो 1। ऐसे इसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ऐसे मुझे है ना नंबर याद है तो इसको सॉल्व करोगे 1 2 4, 2 और 4 इधर से 6 आएगा, इसमें 1 2 2 आएगा इधर से, तो 261 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑक्टल में है। अब मैं आपको बता देता हूं कि नंबर सिस्टम को कैसे डायरेक्ट अगर मुझे किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में लिखना है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो इधर एक सीरीज लिख लो 1 2 4 8 16 32 32 64 128 256 512 और 1024, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो सपोज करो नंबर आपके पास ये दे रखा है, ये एक ट्रिक है बस आपको जो याद रखनी है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा था 1011 ये दे रखा है तो आपको बस इतना याद रखना है यहां से यहां तक किस किस नंबर पे 1 है एक ये सीरीज, तो 1 2 4 8 जिस जिस सीरीज पर जिस जिस नंबर पे 1 है उस नंबर को आपस में एड कर लेना है, मतलब 1 इस नंबर को याद करा हमने 1 2 4 8 यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक। अब ये जो नंबर था 1011 अब इधर देख लो इससे कंपैरिजन कर लो, इससे कंपैरिजन अगर हमने किया तो मुझे कंपैरिजन में आप पता चल जाएगा कि जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 है उन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 प्लस 2 इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 0 दे रखा है प्लस 8 तो इसका आंसर कितना हो गया 11। ऐसी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होता कितना 0011 तो इसमें क्या है हम इसको नंबर को ऐसे याद रखेंगे 1 2 4 8 तो जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 दे रखा है हम उसी नंबर को आपस में ऐड कर लेंगे, मतलब 2 प्लस 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ऐसी अगर एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन 1010 दे रखा है मुझे तो हम इस नंबर के आगे लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32 इसका मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना है तो जिस जिस नंबर के आगे 1 दे रखा है उन सारे नंबर्स को बस ऐड करके लिखना है, 2 के आगे 1 दे रखा है प्लस, 8 के आगे 1 दे रखा है प्लस, 32 के आगे 1 दे रखा है तो 32 प्लस 8 40 प्लस 2 42 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने को, अगर किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन है 1 1 0 0 1 1 0 1 1 तो देखो ये एक नंबर दे रखा है इसको मुझे डायरेक्ट डेसिमल में लिखना है तो क्या करना है आपको बहुत आसान है, इस सारे नंबर्स के नीचे यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपको बस सीरीज याद रखनी है 1 2 4 8 16 32 64 128 1024 से आगे नहीं आएगा, 512 के बाद 1024 से आगे नहीं आएगा, जिस जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग 1 है बस वो सारे नंबर आपको ऐड करने हैं, तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग है तो 2 प्लस 2, 8 के करस्पॉन्डिंग है तो +8 +16 +128 तो 16 और 8 24 और 2 26 और 1 27 128 +27 ऐड करोगे तो 155 आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।